हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं कुलदीप टाक आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज यार बहुत ही है ना अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूं आपको। और अभी हम आए हुए हैं राजस्थान के अंदर चूरू जिले के तहसील कौन सी है, रतनगढ़। या तो रतनगढ़ तहसील के अंदर अभी हम आए हुए हैं। और भाई ने यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट तैयार किया, वो भी घर के अंदर रह के। आपने देखा होगा कि जब मैंने पहले पैरामोटर दिखाया था आपको रोटेक्स के साथ में, जो अंकल ने बनाया था, वो भी अमेजिंग था। लेकिन यहाँ है ना भाई की जो मेहनत है वो जिंदगी भी लगा दी, और जितनी जिंदगी की कमाई हुई पूंजी थी ना वो भी लगा दी उसके अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको है ना एयरक्राफ्ट दिखाता हूँ, उसके बाद में भाई से मिलवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो हम पहले करते हैं इंजन की और प्रोपेलर की। तो भाई ने यहाँ पे वुडन का 160 सेंटीमीटर का प्रोप लगाया है, और जो इंजन है वो वैगनार का लगाया, और उसमें पिस्टन की मॉडिफिकेशन करके इसकी पावर इंक्रीज की है। तो पावर कितनी है, थ्रस्ट कितनी है, वो चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। तो वुडन का प्रोप और वैगनार का इंजन, और इंजन के अंदर पिस्टन वगैरह मॉडिफाई करके, इसका बोर चेंज करवा के, और जितनी पावर इंक्रीज हो सकती थी, जितना लोकल नॉलेज मिल सकता था उतना लेके, और भाई ने ये इंजन तैयार किया है। और जो रिडक्शन है इसका वो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो बेल्ट होती है किसी में या डायरेक्ट ड्राइव होती है, यहाँ पे चैन ड्राइव भाई ने यूज़ की है, अच्छी है। जितना भी दिमाग लगाया है ना वो यार प्रॉपर वे में लगाया, ऐसे नहीं है कि किसी बेदिमाग वाले ने बना दिया और कैसे भी, ऐसे नहीं, बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइन किया है इसको। और बहुत सारे मैं समझ सकता हूँ यार चीज़, क्योंकि आपने वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाया था, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर भाई ने बनाया है। और चलिए मिलवाता हूँ मैं भाई से। हेलो भाई, नमस्ते, कैसे हो? अच्छे अच्छे हो। नाम क्या आपका? बजरंग। बजरंग, और आपके विलेज का नाम, गाँव का नाम? दसूसर। दसूसर, दसूसर गाँव है इनका। और ये पांचवीं तक आप पढ़े हैं ना? पांचवीं। तो ये आपने यूट्यूब देख के बनाया होगा? मैंने कोई YouTube नहीं देखा। तो कैसे आया माइंड में कि हाँ ये हवाई जहाज है? ऐसे मेरे हवाई जहाज को कोई देखना पसंद था, मैंने प्लेन देख लिया। कहाँ पे देखा था? यही तो पहले ड्रोन बना लिया। नहीं, पहले हवाई जहाज कहाँ पे देखा था जिसको लगा कि यार ये सिंपल चीज़ है, मैं भी बना सकता हूँ? हाँ ऑफकोर्स, यही आता है कि यार ये तो मैं बना सकता हूँ, दिमाग में जो बनाने वाला होता है ना उसको यही आता है। क्लोज दिया थोड़ा सा। तो पहला हवाई जहाज कहाँ पे देखा था, क्लोज जाके कि हाँ पास में खड़े होकर बोला यार अच्छा ये चीज़ है? जयपुर में। जयपुर में, जयपुर एयरपोर्ट पे। अच्छा, जयपुर एयरपोर्ट पे। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने टेस्ट करने दिया था? नहीं। अच्छा, दूर से ही देखा था उसको। तो मैकेनिज्म कैसे समझा कि जैसे ये आपने रडर एलिवेटर एलड्रोन्स को जो फ्लैप्स को बना रखा है कि ये ऐसे डाउन होते हैं, वो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन? वो तो अब मेरे को पता चला है, पहले सीधा ही मैंने लगाया था। अच्छा। जैसे सीधा ही बनाया था मैं। अच्छा, उसमें ये दिक्कत आ गई थी, पंखा इधर और टूट गए और हो गए, फिर मैंने ऐसे स्पोर्ट लगाया। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेम जैसे आपने पहले, बहुत भाई के पास में बहुत सारे यूट्यूब वाले आ चुके हैं वैसे, और हमें बाद में पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे किसी ने ये एरोप्लेन तैयार किया है। और एरोप्लेन तैयार किया वैसे नहीं आया, ऐसे बहुत सारे आते हैं जो आपने देखा भी होगा, मैं वीडियो डालता हूँ कि ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट होममेड तैयार किए हैं, लेकिन वो ना सब अजीबोगरीब होते हैं, क्योंकि किसके अंदर कोई भी मैकेनिज्म यूज़ नहीं होता। ये जो जैसे एयरफॉयल है ना, ये भी है ना भाई ने प्रॉपरली, जब मैंने देखा आते ही मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं, भाई को नहीं बताया, तो ये भी है ना प्रॉपर डिज़ाइन करके कि हाँ ये ऐसे होती हैं, कितना एंगल होना चाहिए। हेलो, हाँ, तो प्रॉपर है ना डिज़ाइन करके उसको बनाया है यार, सीरियसली दिल को अच्छा लगा, तब जाके मैं तकरीबन 300 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे आया हूँ। और अब मैं आपको पूरा यहाँ से फ्रंट से मैं समझा देता हूँ। ये इंजन लगाया है फ्रंट माउंटेड, और ये पुलिंग करता है, यानी पुशर इंजन नहीं लगाया है, पुल करता है ये एयरक्राफ्ट को और टेक ऑफ करवाता है। और रिडक्शन का यहाँ पे कुछ बताया था भाई ने कि अराउंड 4000 आरपीएम है इसके प्रोपेलर के, इंजन के अराउंड 6 to 7000 है, लेकिन प्रोप के आरपीएम 4200 समथिंग है। और यहाँ पे सस्पेंशन लगाए हुए हैं, जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर देखते हैं हम टू सीटर के अंदर लगे हुए, वैसे ही यहाँ पे लगाए हुए हैं। बाकी आ जाओ, अब आपको इंटरनली दिखाते हैं। चार तो चाबी हुआ। अच्छा, हाँ चाबी है एयरक्राफ्ट की, अट लगाई, अब घुमाते ही स्टार्ट हो जाता है। ये देख, फिर इंजन का सिस्टम है ये जो विंग लगी हुई है ना, उस विंग में सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर के सारे कनेक्शन इसमें है। जैसे ये इधर उधर होगा ना तो ये सिस्टम बताएगा इधर इतना इधर हो रहा है, इतना इधर हो रहा है। अच्छा, ये सिस्टम है जो GPS आगे लगे हुए, जो सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो स्पीड बताएगी रोड पे, फिर हवा में उड़ेगी ना, हवा में उड़ने के बाद में ये स्पीड चलेगी। अच्छा, ये जो पीली पट्टी है ना ये नीचे रह जाएगी और हरी पट्टी में आ जाएगा, जितना ऊंचा उड़ाई में,
जैसे टेढ़ा होगा तो टेढ़ा यहाँ बता देगा। अच्छा, ये मीटर का सिस्टम है, यहाँ किलोमीटर भी बताता है कितना किलोमीटर जाना है। फ्यूल, फ्यूल पेट्रोल, फ्यूल इसमें बताता है। अच्छा, ये मीटर लगे फ्यूल और इंजन का हीटिंग सिस्टम यहाँ पे है, ये आरपीएम मीटर है। अच्छा, और ये बड़ी स्क्रीन, ये लोकेशन सिस्टम है, यहाँ पे हमें कहीं जाना है तो यहाँ पे लोकेशन डाल दो कि हमें बेंगलोर जाना है, कहाँ पर जाना है, वहाँ पे ये रास्ता दिखाएगा। अच्छा, और ये जो और क्या चीज़ें, ये जो लीवर है जैसे विंग के कंट्रोलर, इसको उड़ाते हैं ना, उड़ाने के जैसे ऐसे होती है। अच्छा, अप डाउन में, अब ऊँची हो गई, हमें उड़ना है हवा में, तो इसको रेस रेस कंट्रोल पूरा मार के फिर इसको ऐसे डाउन दे देंगे, लीवर को कंट्रोल करेंगे तो उड़ जाएगा। अच्छा, ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है पीछे का। अच्छा, और ये आगे, ये आगे ये स्टेयरिंग है, ये स्टेयरिंग है, ये ब्रेक है, ये ब्रेक है, ये स्टेयरिंग है। अच्छा, पीछे के मोड़ने के लिए हवा में तो वो विंग है, वो कंट्रोल करेगी किधर जाना है, नीचे टायर से मुड़ेगा। पूरा दिखाता हूँ कि कैसे इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये वर्क करता है। आ जाइए, ये यहाँ पे इसके फ्लैप्स हैं, फ्लैप्स भी प्रॉपर वर्क करते हैं, जैसे कि नीचे से आप आइए, मैं आपको मैकेनिक समझाता हूँ। ये जो यहाँ पे है, ये पाइप के लगा रखे वेल्डिंग करके, और ये प्रॉपर है ना, अच्छे से एंगल के ऊपर बनाया गया यार, परफेक्टली जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ बनाई है भाई ने, काफ़ी मेहनत की है। तीसरी बार ये एयरक्राफ्ट बना रहा है, और ये अंदर से कंट्रोल होता है, वो अंदर के कंट्रोल मैं आपको दिखाता हूँ पूरे के पूरे। और यहाँ पे एलरॉन्स है, ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि जीरो जीरो बैलेंस है, लेकिन हाँ जहाँ तक बनाया है वो बहुत बढ़िया बनाया है। पीछे आते हैं इसका रडर और एलिवेटर का, तो ये इसका रडर है, और ये भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे स्प्रिंग लगाए हैं भाई ने, कि वापस इसको सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग लगाए हैं, और ये भी कहूँगा यार ठीक है, अच्छा बना रखा है। और ये आपका हो जाता है एलिवेटर, ये काम करता है आपको हवा में ऊपर उठाना या फिर नीचे लेके आना एयरक्राफ्ट को, उसके लिए मदद करता है, ये डायरेक्शन देता है। और अब ये पीछे का व्यू आ रहा है, मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ दोबारा। तो ये एयरक्राफ्ट का पूरा व्यू है, और अब फ्रंट व्यू दिखा देते हैं। ये जो है ना, इसका हर कोई पूछे एयरोफॉयल कैसे डिजाइन है, ये साइड से व्यू आ रहा है इस, और ये एयरोफॉयल जो कर्व्ड सरफेस होता है ना ऊपर का, इससे क्या है, आपकी लिफ्ट डिसाइड होती है कि लिफ्ट कितना मिलना चाहिए, ड्रैग कितना होगा, थ्रस्ट कितनी, थ्रस्ट के ऊपर कितनी लिफ्ट जनरेट होगी, वो यहाँ से डिसाइड होता है। और ये यहाँ पे सपोर्ट दिए हैं भाई ने, ताकि जो विंग है वो उतना स्ट्रेंथ नहीं होती है, अगर इतनी स्ट्रेंथ बनाएंगे बिना सपोर्ट के तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, इसलिए दो सपोर्टों के सहारे खड़े होते हैं दोनों साइड में, ये आप देख सकते हैं। टायर्स जो हैं भाई ने एयरक्राफ्ट के यूज़ किए हैं, डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ कर रखा है, और टेल ड्रैगर बोल सकते हैं आप इसको, जो एयरक्राफ्ट होते हैं। और ये यहाँ से वायर जा रही है जो इसको अंदर से कंट्रोल करती है, बहुत यार बढ़िया तरीके से बना रखा है, मैं कहूँगा 100% टेक ऑफ कर सकता है, अगर कुछ माइनर से चेंजेस किए जाएं इसके अंदर तो।